हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हम लोग उम्मीद करते हैं आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूं अपने चैनल सुनील गरीब देहाती ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शाम को 8 बजे से शुरू कर रहे हैं और 2 घंटा थोड़ा काम करके उसके बाद सोएंगे। तो क्या क्या काम कर रहे हैं वो सब दिखाएंगे आपको वीडियो में। वीडियो में बने रहिए और फुल वॉच करके वीडियो एंड तक देखें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी देख सकते हैं इस चार्ट यहाँ पे बिछा दिए थे, बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे। इधर एक लाइट खरीदना पड़ेगा, इधर उजियाला नहीं हो पा रहा है, कल ले आऊँगा। इधर देख सकते अभी पैर में कील हाला है ना, तो अभी सारा काम नागांती जी कर रही हैं। कूलर भी भर रही हैं कि एक बार पंप खराब हो गया था तो दोबारा खराब ना हो। खाना वाना बना लिए हैं, अभी बर्तन सजा कर रखेंगे। बर्तन इतना सारा सब भूल के रखना है आज। किचन कल इसको शिफ्ट करेंगे, जो भी सारा सामान बिखरा इसको सही से करेंगे। एक ऐसा और टेंकल खरीदूंगा ना, तो पुराना वाला कपड़ा एक टेंकल वहाँ लगा देंगे, सब पुराना वाला कपड़ा उसमें रहेगा। बाकी कितना मस्त हो जा रहा है, थोड़ा बहुत मिट्टी से जो जाम किए इसको कलर कर देंगे। देख सकते हैं सब सिस्टम धीरे धीरे करेंगे, पहले काम तो हो ही गया। अभी जो ये बिस्तर गेप द्वारा दिख रहा है ना, तो इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि मेरे कभी उधर से घूम के कभी इधर से घूम के ये वाला कलर रात को ही करना है, क्योंकि ना दिन में काम नहीं हो पा रहा है। और वजह ये है दिन में काम ना करने की, क्योंकि दर्द को जो दवा खा रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है रिएक्शन कर दे रहा है, क्योंकि देख रहे हैं चारों बगर फुंसी उंसी सब इधर उधर सब हो गया है। वो उससे ज़्यादा परेशानी आज बढ़ पे बोले कि थोड़ा दर्द को बर्दाश्त करो और वो धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपने आंखों से देखे चश्मा लगा के उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन ना मुझे लग रहा है कि जो बिछलहर में गिरा हूँ ना, तो थोड़ा पैर में मोच आ गया था और उसके बाद कील हला है, तो मोच जो आता है पैर में वो थोड़ा कुछ ज़्यादा टाइम लेता है सही होने में, तो ये है समस्या। तो अभी शाम को ना आपको काम करने का यही रीज़न है कि नींद भी थोड़ा कम आता है, और थोड़ा बहुत काम करूँगा तो सही से सो पाऊंगा, नहीं तो फिर ऐसे अगर जगह जगह फिर दिमाग भटकेगा। और नहीं तो देखे ही है, इतना तारीफ मिला दोस्तों आप लोग तरफ से, दिल से धन्यवाद कि सुनील जी अपने हाथों से कितना मेहनत करके अपने घर को कितना सुंदर बना दिए। ये सब आप लोग का एहसान और भगवान जी का कृपा, आप लोग का हौसला बढ़ाए हुआ कमेंट द्वारा का फल है। ऐसी अपना आशीर्वाद बनाए रही इस छोटे से बालक पे, जो जीवन में और भी कुछ करके आगे बढ़े, जो आप लोग को देखकर बहुत भी खुशी मिले। तो देख सकते हैं अभी ना इधर का जो कलर था थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, तो कमेंट में आ रहा था कि भैया थोड़ा इसको सही कर दीजिए, क्योंकि फ्रंट साइड का है, आपके कैमरा में थोड़ा अलग आ रहा था, तो इसको सुधार दे रहे हैं ना ना गति जी। क्योंकि बताया था ब्लॉग में, अभी हमारा आकाश भी जगह दिन भर सोया था। कौन सी ये क्या चीज़ का? हाँ लगा दी आकाश, उधर से, उधर से ब्लॉक करो, हटो। मैंने से साफ भाई पहले इधर का कर देते हैं, ये भी डिस्कलर था ना, फिर वाला कर दो और ना। गांधी जी कह रही है ना कि मुझे नहीं पता कैसे बनाइएगा, आपने पढ़ाई समय सीखे क्यों नहीं, यहाँ पे कोई भी एक सुंदर सा फूल बनाइए जो हमारे कैमरे में और भी हमारे यूट्यूब फैमिली प्यार दुलार आशीर्वाद दे, जो यहाँ पे वीडियो ब्लॉग शुरू करें। कोशिश करूँगा दोस्तों, आप लोग का आशीर्वाद से कोई भी काम कोशिश करता हूँ तो सक्सेस होता है, देखता हूँ जो सक्सेस हो पाता है। कौन सी फूल बनाना है नगंती जी? ए इधर कैमरा में बोल गए, कौन सी फूल करी, क्या चीज की, कुछ तो नाम तो होगा। एक सूर्यमुखी, यूट्यूब पर सर्च करो सूरजमुखी का फूल कैसा होता है। उस पर गूगल में सर्च करके देखो ना, आप सर्च करके दिखा दीजिए आकाश। एक ही तो मेरा बाप, बाप रे बाप, देप लग गई आकाश अपने बर्थडे के लिए अपने घर को इतना सुंदर बना देना चाह रहा है कि लोग मेहमान आए। अपने बर्थडे में क्या क्या खाना बनवाना पसंद करोगे बता दो, अभी से पहले से लिस्ट बताना, बता देना मम्मी पापा से, ठीक है आकाश? छोड़ो छोड़ो, आपसे नहीं होगा, रहने दो रहने दो, मैं बनाता हूँ, छोड़ दो आकाश। ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है बेटा,
उतना ही है। जब तक पापा नहीं सोएगा तब तक बेटा मेरा सोता ही नहीं है ना। काश कैमरा कौन करेगा? हाँ और आकाश दोस्तों इसलिए जग रहा है ना कि ये जिद कर लिया है कि मेरे को मेरा जो बर्थडे आ रहा है मुझको एक छोटा सा साइकिल चाहिए ही। स्कूल जाने में सब छोटे छोटे जो भी बच्चे खरीद लिए हैं और जो ये अभी साइकिल है तो पीछे दूसरा स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ पे लेके जाते हैं। कोशिश करेंगे, देखते हैं खरीद पाते कि नहीं। अभी तो है एक हफ्ते है ना, तो बच्चों का ये कोई खेलने की चीज़ नहीं मांग रहा है, स्कूल जाने के लिए साइकिल मांग रहा है। तो आप बताइएगा कमेंट में आप विकास और आकाश दोनों साइकिल से पढ़ने जाएंगे कि विकास और आकाश एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कोशिश करूँगा, बाकी देखता हूँ कौन पसंद करें ना का। मेरा ये पैर सही हो जाए दोस्तों ना तो मैं अगर 10 दिन काम करूँ तो 6,000 रुपया कमा के ले आऊँगा, क्योंकि मैं मेरे को पूरा विश्वास है कि राजमिस्त्री का जो काम है चुनाई वाला वो मेरे को हिसाब से कर लूँ, कोई इसमें गलती नहीं होगा। हो सकता है दिन भर में जितना मिस्त्री काम करके देते उतना नाप करके दूँ, अगर कोई कहता है कि नहीं इतना नहीं हो पाया है तो 5 बजे सबकी छुट्टी हो जाता है, मैं 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा काम करूँगा तो उतना तो पूर्ति करके दे ही दूँगा, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा। और इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि दीवार हम सीधा में जोड़ पाऊँगा, कोई उसमें वो नहीं, क्योंकि बड़े पापा सिखाए। अब बहुत खुशी की बात दोस्तों एक है चीज़ है कि मेरा छोटा भाई जो कार 15 दिन के अंदर में सीख गया, कहाँ कहाँ घूम आया, ये सब आप लोग का आशीर्वाद और भगवान जी की कृपा ही है। और मैं मेहनत लगन से राजमिस्त्री का जो काम सीख गया वो भी पहली बार किया और धीरे धीरे हाथ साफ हो गया काम करते करते, यानी कहीं भी जाके काम कर लिया जाए कितना खुशी की बात है। ये सब अगर हम सीख के रखेंगे तो हमें 1-1, 2-2 रुपया के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, और बाकी जो हमारा यूट्यूब पेमेंट आएगा वो हमारे बच्चों के भविष्य में और भी काम आएगा, जो छोटा मोटा सामान कभी कभी नहीं खरीद पर पाते हैं बच्चों के खुशी के लिए वो अच्छे से कर पाए। चलिए अभी ये कलर हो ही गया, उसके बाद खाना खा के सोते हैं और फिर नेक्स्ट काम कल ही करेंगे, क्योंकि बाहर का काम सब खत्म कर दिए करके अब बचा है अंदर का काम। तो सोएंगे, बच्चे सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब होगा, उससे अच्छा हम भी सो लेते हैं आज सुबह भोर में उठ के ना काम करेंगे। देख सकते हैं अभी बाहर काम करने के बाद ये भी थोड़ा ना डिसकलर हो गया था, क्योंकि उस टाइम कलर था नहीं, तो मैं सोचा कैसी मार दूँ तो उधर हरा दिख रहा था, इधर हल्का हल्का व्हाइट दिख रहा था, एक ही कलर का सब रहेगा तो और अच्छा दिखेगा। ये फोटो और इसमें मार देता हूँ हल्का पान करके, तो देख सकते हैं अभी कितना सुंदर डबल कोट मारा तो कुछ अलग ही लुक हो रहा है दोस्तों कलर का, देख सकते हैं। आ इधर भी वैसी, इधर भी ऐसी, अब दोनों में कहीं फर्क नहीं है ना नगत जी, है अब हो गया ना। बाकी एक चीज़ की समस्या है, ये देख सकते हैं इसका कोई ना कोई इलाज करेंगे कल ना, ये चूहा ना उठ के, क्योंकि चूहा भी पकड़ते हैं तो आप लोग पहले वाला ब्लॉग में हम लोग को देखे होंगे। आप पहले अभी इसको बता दें, हल्का सा ये दिख रहा है डिस्टर्ब, अच्छा मीठी है थोड़ा बहुत तो चलेगा, सीमेंट बालू का पलस्तर रहता तो कुछ अलग होता, क्योंकि समझ सकते हैं। बाकी जो है इतना आप लोग आशीर्वाद मिला बस इतना ही सही है। बाकी इसके जो किनारे किनारे कोई पौधा लगाया के फूल लगाया जाए बताइएगा कमेंट में, कि इस दरवाजे पे
कुछ अपने हाथों से कलर द्वारा फूल बना दिया जाए। और बाकी मैं क्या कह रहा था कि जो चूहा हम लोग पकड़ते भी हैं, वो जो उसका चूहड़दानी ले आए हैं उसको भी ले जाकर उधर फेंकते हैं, छोड़ देते हैं, फेंकते नहीं हैं मार कि वो अपना दूसरा घर बना ले, सही रहेगा। क्योंकि किसी भी जानवर को मारने का अधिकार हमारा नहीं है, उसको ले जाकर छोड़ दे, अगर किसी से परेशानी है तो फिर पैसा कमाए और ईंट और बालू सीमेंट ले आकर उसको ढाल देंगे, वो खुद ही उधुकना बंद कर देंगे, इतना कर सकते हैं। जैसे ये बनाया हूँ, बारिश आए और मिट्टी को रोड पे ना दहा के लिए आए, इसीलिए चुनाई कर दिया था, तो चूहा उधिक रहे तो वहाँ पे ईंट बिछा के कोशिश करेंगे, अभी नहीं तो फिर कभी, क्योंकि इतने दिन से जब चूहा उधिक रहे तो परेशान नहीं हुए, तो अभी थोड़ा इतना काम करने के बाद परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्र का फल मीठा होता है। और धीरे धीरे जो इतना कर लिए, आप लोग का आशीर्वाद भगवान जी की कृपा से, कितना खुशी महसूस हो रहा है जो आप लोग कमेंट में हमें इतना चाबासी देते हैं, दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा नहा धोकर और सोने, फिर मिलते हैं आपसे सुबह। दिखाते हैं क्या हो गया इसमें, कितना दर्द, टैबलेट खाने के बाद भी सही नहीं हो रहा, कुछ समस्या है इसमें, दवा क्या काम मिलता दिखाएंगे आपको, बहुत सारा काम करना है, सही हो जाएगा। इसके वजह से ना आदमी पूरा मैं सुस्त हो चुका हूँ, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाता है क्या करें क्या, तो देख सकते हो अभी फाइनली ना इंजेक्शन भी ले लिया हुआ, इतना सारा दवा, ये जो अभी आज धूप इतना उग रहा है ना, इतना अंदर से गर्मी महसूस हो रहा है, क्योंकि आपको तो बताया हो 15 टैबलेट हो गया दर्द का और 17 टैबलेट हो गया सूखने वाला, और बाकी प्लस ये और 2 इंजेक्शन टेट वेट का ले लिया था दोस्तों। आप लोग बोल रहे थे कि टेट वेट का भैया सुई इंजेक्शन लेना ज़्यादा जरूरी था, जिस दिन फील हला था उसी दिन मैंने ले लिया था, लापरवाही बिल्कुल नहीं किया था। चलिए फिर भी मुझे लग रहा है इसमें कुछ फंस गया था, क्योंकि ना कार्बन वाला फील ज़्यादा जंग खाया हुआ वाला से इसमें चुप गया था। चलिए अभी सही हो जाएगा, इंजेक्शन फिर लिए आके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए अभी चलते हैं फिर अपने घर, देख सकते हैं अभी फाइनली आ गया हूँ, चल रहा हूँ नहाने, क्योंकि बाल कटवाए हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाए कि बाल कटवाए जब तुरंत नहा लिया जाता है, नहीं तो चिड़िया चुड़ू क्या होता है जी, चिड़िया रंग दीजिए तो छोट हो जाएगा, क्या छोट हो जाएगा आगे हाइट में और कोई चीज़ से तो नहीं, हाइट में तो ऐसे छोटा भी रहना चाहिए, क्योंकि छोटा रहोगे तो तुमको दरवाज़ा भी ज़्यादा बड़ा बनवाने की जरूरत नहीं है, अपना निहूर के चलने सर फटाक रख के भी लगेगा, सब सिस्टम सही है जो भी है, लेकिन फिर भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अपना जो भी कर्तव्य है बड़े बुजुर्गों से जो सीखते आए हैं बचपन से उसको फॉलो करना चाहिए, छुपी हुई है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बोला इतना ही, एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, नेक्स्ट काम क्या क्या करेंगे वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो देख के आप लोग को बहुत अच्छा लगे, और जैसे आप लोग बोले थे तो मैंने जाके उनको ऐसे ऐसे बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो उन्होंने फिर इंजेक्शन लगाया और उससे भी हार्ड वाला दवा दिए हैं, तो बोले कि इससे ज़्यादा अब तुमको दवा नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी, अगर इससे सही नहीं होता है तो आप आइएगा उसको ऑपरेशन करके उसमें देखूंगा क्या दिक्कत है, और टू होके देखे ना तो बोले कि अभी बेफजूल के कोई चीज़ काटा नहीं जाता है, बाकी वो जो इतना बड़ा शीशा का नहीं आता है, इतना बड़ा ऐसे देख के देखा जाता है, वो भी था तो उसमें ऐसे एक आदमी पकड़ के ऐसे किया था और उससे देख रहे थे, तो उनको कुछ नज़र नहीं है, बोल रहे कि उसमें थोड़ा अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट द्वारा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिएगा, और यहाँ तक वीडियो ब्लॉग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। इंस्टाग्राम का लिंक तो आपको पता ही, टुक टुक 1632 आप हमें वहाँ से, हाँ, और जिस दिन आपका भाई पैर पर अपने खड़ा हो जाएगा, रोज मेहनत करके शाम को 2 पैसा लाने लगेगा, उसी दिन इस चैनल पे जो वो नाम लिखा हूँ जो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है उसको मैं चेंज कर दूंगा, तो लीला अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, तो उस नाम को बहुत जल्द चेंज कर दूंगा, जो आप लोग को देख के बहुत खुशी मिले, अभी आपका भाई थोड़ा बहुत उसी लायक है जो मैं चैनल पे लिखा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा हमें परेशानी है आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही एंड करते हैं।